वीडियो देखने वालों, बोले तो ए क्लास आइटम। वाह, इसे कहते हैं जन्नत के नजारे। हेलो 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 हेलो, वीडियो देखने वालों, हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड में देहरादून। जी हाँ, देहरादून। और ये हमारा आज का पहला शूट है, और पहला शूट हम करने आए हैं देहरादून की सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड कह लो, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और वो है मोमोज। जी हाँ, मोमो हम ट्राई करने आए हैं, और हमारे पास बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट दुकानें थी, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स से मोमोज ट्राई करने के लिए, लेकिन हमने सिलेक्ट किया है केसी। जी हाँ, केसी। और आपको यहाँ दिखाते हैं क्या क्या मिलता है, क्या दाम है और कैसा है टेस्ट। तो लेट्स गो। तो ये देखिए, सुपर कूल सिंपल सॉबर सा केसी सूप बार, देखिए कितना जगमगाता हुआ लाइटों से। ये राजपुर रोड है देहरादून में, वहाँ पर लोकेटेड है, और काफ़ी स्पेशियस है, और बहुत ज़्यादा सिटिंग स्पेस है यहाँ पे। और बाकी आपको दिखाते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, और ये आपको अब हम क्लोज़अप इनका सिटिंग स्पेस दिखाते हैं। सबसे पहले वो देखिए, ऊपर टीन की छत है, और ओपन टाइप का ही एक टाइप का ये जो बार है, रेस्टोरेंट कह लीजिए इसको, ये ओपन स्पेस में है, और नेचुरल लाइट और नेचुरल हवा से के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है ये। और ये हम ज़रा सा कैमरा घुमा के देखते हैं, देखिए इस वक्त इवनिंग का टाइम होना शुरू हो गया है और ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। ये सामने रिसेप्शन एरिया है ये, और ये हम ज़रा सा कैमरा घुमा के दिखाएंगे, ये सामने देखिए रोड बिल्कुल चलती हुई ट्रैफिक के साथ, ये राजपुर रोड है, और हल्का सा ये देखिए गेस्ट फूड इंजॉय करते हुए। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो बार है इसमें तिब्बतियन कल्चर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, जिस टाइप की इन्होंने सिटिंग स्पेस है, जैसे दीवारों पे इन्होंने आर्ट लगा रखी है, पूरा तिब्बतियन कल्चर इस बार में आपको नज़र आएगा। तो हमारे जैसे ही फूडीज का यहाँ ग्रुप बैठा हुआ है, और ये हमारे साथ है पारस, जो यहाँ पहले भी कई बार आए हैं। पारस, आप, मैं देख रहा हूँ आप मोमोज खा रहे हैं, कौन से मोमोज खा रहे हैं आप? ये मैं मटन मोमोज खा रहा हूँ। मटन मोमोज, और फर्स्ट टाइम है या पहले भी खाए हुए हैं? बहुत बार खाए हुए पहले, मतलब ये बहुत बढ़िया है इसलिए आप खा रहे हैं। तो रहते हैं हम यहाँ पे, तो ये मटन मोमोज तो हम ट्राई करने वाले हैं। और आपको यहाँ का क्या पसंद है? यहाँ चीज़ मोमो हो गया, चीज़ मोमोज हो गए, दोस्त को चाउमीन बहुत पसंद है आगे। चाउमीन बहुत पसंद है, कौन सी चाउमीन खा रहे हैं आप? ये एग चाउमीन। एग चाउमीन, तो मटन मोमोज एग चाउमीन तो एकदम बढ़िया रिकमेंड कर दिया है। आइए दूसरे गेस्ट से भी बात करवाते हैं आपकी। तो हमें इसी ग्रुप में अमन जी हैं, जो हमें पहचान भी गए हैं, तो अमन जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जिस चैनल को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे देखते थे, आज उसी पे आ गए हो, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दो। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अभी आपने क्या खाया यहाँ पे? मटन मोमोज। मटन मोमोज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ ट्राई किया अभी यहाँ पे? अभी पनीर मोमोज मंगाए हैं। मंगाए हैं? हाँ जी। चलो फिर हम आपसे, जब कैमरा बंद हो जाएगा, आपसे पनीर मोमोज का भी रिव्यू ले लेंगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो इस बार की कर्ता धर्ता लीना जी हमारे साथ हैं। लीना जी, भूखा सांड में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो हमें बहुत सारे यहाँ के रिकमेंडेशन मिले कि आप यहाँ जाके मोमोज ट्राई करिए, चाइनीज़ ट्राई करिए, चाउमीन वगैरह ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, कितना टाइम हो गया इस बार को? आप ये लगा लीजिए, वैसे तो हमारा रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, आप ये लगा लीजिए 85 से है। सन 1985 से मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली हम रजिस्टर्ड है 1989 से। 1989 से। हाँ जी। और शुरू से ही इतना बड़ा है? नहीं नहीं, शुरू से बहुत हमारा बहुत डिसेंट, बहुत छोटा सा सेटअप था, हमारी लोकेशन भी दूसरी थी, तो ये अच्छा हुआ आप लोगों ने हमें कवर किया, तो इससे हमें ये हो जाएगा, हमारे जो कस्टमर जो हमें ढूंढते हुए आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि उन्हें एक जॉइंट दिख जाएगा ये नई जगह कि हम यहाँ शिफ्ट कर दिए। इस जगह पे कितना टाइम हो गया आपको शिफ्ट हुए? इस जगह पे मैं 2 इयर्स हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। और खाने की बात करूँ तो यहाँ का आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो हमें ज़रूर यहाँ ट्राई करना चाहिए? सर आप हमारे यहाँ मोमोज खाइए, मोमोज के लिए जाना जाता है, सूप्स के लिए बहुत फेमस है, वैसे तो सारी चीज़ें भगवानी दुआ से बढ़िया मिलती है, आप लोगों की दुआएं से, और बाकी मोमोज अच्छा है, सूप भी बढ़िया है, और आप तंदूरी मोमोज ट्राई करिए, बहुत आपको पसंद आएंगे। अब
सब मैं ट्राई करूंगा। आपने मैंने देखा कॉम्बो भी रखे हुए हैं, जी, दो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि कॉम्बो रखा है। कॉम्बो का ये फायदा है कि हम डिफरेंट वैरायटी एक पॉकेट फ्रेंडली रेट में ट्राई कर सकते हैं, वो तो हम ट्राई करेंगे ही। उससे पहले मैम ये बताइए कि जो ये इसका टाइमिंग है कैफ़े का, बार का, ये क्या टाइमिंग्स हैं आपकी? ये सर आपकी यहाँ भी तो हम ऑनलाइन वगैरह भी हम कर रहे हैं। वैसे आप रेस्टोरेंट में हमारे आ सकते हो दिन के 12 बजे से रात के 10:30 बजे तक ही ओपन रहता है। 10:30 और किसी दिन ऑफ भी रखते हो? नहीं, सारे दिन हफ्ते के साथ 7 days ओपन रहता है। और मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, तो फिर जितने हमारे दिल्ली के बाहर के कस्टमर्स हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारा पहला जो एक आउटलेट खुल रहा है, हम उसमें चेन सिस्टम में जा रहे हैं, तो पहला आउटलेट हमारा मेरठ में खुल रहा है। हमें इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। अच्छा। मेरठ में आबू लेन में। अच्छा। सेकंड हमारा दिल्ली में द्वारका सेक्टर 7 में जरूर खुलेगा। वाह, द्वारका तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो कब खुल रहा है मैम द्वारका में? बस वेरी सून द प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड। तो आप मुझे ये लगा लीजिए कि 3-4 महीने में शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ जाके पक्का ट्राई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को भी यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, ऑथेंटिक मोमोज है वहाँ पे मिले, तो इससे बढ़िया और बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल। तो लीजिए, अब इनका फूड मेन्यू हमारे सामने है। हमने चिकन मोमोस में चिकन मोमोस मंगाए हैं स्टीम वाले, जो कि 6 पीस 90 के हैं और 3 पीस 45 रुपए के हैं। प्राइस के मामले में बहुत बढ़िया है, काफ़ी वैरायटी है। ये देखिए, मटन मोमोस की 2 वैरायटी मंगाई है हमने, फ्राइड और स्टीम, और इसकी प्राइस 6 पीसेस की 100 रुपये और 3 पीसेस के 50 रुपये। इसके अलावा काफ़ी वैरायटी है, तंदूरी मोमोस हैं, मिक्स प्लेट हैं जिसमें 3-3 पीसेस अलग अलग वाले हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं मोमोस के लिए। इसके अलावा सूप है, हमने चिकन सूप मंगाया है जो कि 55 रुपये का है। तो आप ये देख सकते हैं वैरायटी ही वैरायटी है। चिकन चाउमीन मंगाई है जो कि फुल 170 रुपीज़ की है और हाफ 90 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे मेन्यू में तो कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब इनका फूड ट्राई करते हैं। तो लीजिए, मोमो हमारे सर्व हो गए हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसे हैं। ये देखिए, वाह, ये देखो निकला ना धुआं, जस्ट लुक एट दिस, वाह, बढ़िया से धुएं देखिए निकल रहे हैं। इससे पहले ठंडा हो जाए इसको मैं करूं बंद, और आपको दूसरा खजाने का डब्बा दिखाता हूं। इसमें होपफुली मटन मोमोज होंगे। तो देखिए, हाँ, ये देखिए धुएं के साथ नज़ारे आ गए हैं। ये 3 पीसेस फ्राइड हैं और 3 हमने स्टीम मंगवाए हैं। इसके अलावा ये चिकन चाउमीन आई है और ये चिकन सूप है। तो आज तो जन्नत के नज़ारे आने वाले हैं, क्योंकि खुशबू तो मुझे लग गई है। इससे पहले ठंडा हो, फटाफट खा लूँ मैं, खाने का टाइम। तो भैया, सबसे पहले खाने से पहले फूड ब्लॉगर का धर्म है फ़ोटो खींच ले, तो भैया फ़ोटो खींचनी भी बहुत ज़रूरी है, और ये सारी फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगी। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो फूका सांड को फटाफट फॉलो कर लो। लो जी, ये गई। तो सबसे पहले मैं इनका मटन मोमोज जो कि फ्राइड है, साथ में 3 चटनियां हैं, रेड पुदीने की और ये मस्टर्ड वाली। मस्टर्ड वाली मैंने कभी ट्राई नहीं की मोमोज के साथ, बट पहले मैं ये मोमो को बिना चटनी के ट्राई करता हूँ और इसकी फीलिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, प्याज है और बॉयल्ड चिकन स्टाइल, और हरी मिर्च दिख रही है मुझे, सॉरी चिकन निकल गया मेरे मुंह से, ये मटन है। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं बिना चटनी के। बहुत बैलेंस है, नमक बेसिकली सिर्फ नमक नमक है, और ये नहीं है कि मसाले डाले गए हैं। बहुत बढ़िया सिंपल सॉबर, प्याज का अच्छा मिठास आ रही है और हल्की सी हरी मिर्च है जो इसके टेस्ट को और बेहतरीन कर रही है। मुझे ये सिंपल सॉबर फ्राइड मटन मोमोस बहुत बढ़िया लगा। अब इसको इसकी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। बढ़िया, चटनी की बात कर लूँ, रेड चटनी, ओह क्या मिर्चें हैं भाई, खा गए एकदम मज़ा आ गया। अब ये नेक्स्ट इनका है चिकन मोमोस जो कि स्टीम्ड है, ये ट्राई कर रहा हूँ मैं, और द बेस्ट थिंग इज
कि दिखने में इतने खूबसूरत है, ऐसे लगता है कोई फ्लावर पड़ा हुआ है आपकी प्लेट में। इसकी फीलिंग दिखाता हूँ, सेम मटन मोमो जैसी है, कोई तेज मसाले की लुक वगैरह नहीं दे रहा ये। तो अब इसको खा के देखते हैं, इसको मैं बिना चटनी के पहले ट्राई करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वही एक प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, हल्की सी मिठास दे रहा है जो मोमो को। मुझे मटन और चिकन मोमोस दोनों बहुत बढ़िया लगे। आपको एक ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे प्याज सर्व किया जाता है, जैसे हमारे दिल्ली में तंदूरी आइटमों के साथ प्याज सर्व किया जाता है, यहाँ ये सर्व किया गया है। बट मैं प्याज पसंद तो बहुत करता हूँ, कोड़ा भी नहीं है प्याज, स्वाद है, लेकिन अलग से खाऊंगा, इसके साथ नहीं खाऊंगा। चलो अब चिकन चाउमीन देखते हैं इनकी कैसी है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, ना सिरका ना कुछ, जो पीछे से बन के आई है जैसे किचन से वैसी ही है। सिंपल वर्ड, एक शब्द में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, दिस इज डिलीशियस। तो आज शाम की लास्ट आइटम, जबकि जो सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए वो हम सबसे एंड में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। ये है चिकन सूप, ये देखिए, ये चिकन सूप है इनका, और मसाले काली मिर्च वगैरह आपको क्लियरली दिख रही होगी। इसको टेस्ट करते हैं, इसको मैं हल्का सा उठा लेता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ। वंडरफुल, चिकन सूप की खासियत ये है, जो नेचुरल चिकन सूप का जो टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि अरारोट मसाले उसूले डाल के उसके फ्लेवर बनाए गए हैं, जो रियल में चिकन सूप का जो टेस्ट होता है बिल्कुल वो आ रहा है। ऐसा सूप जो तिब्बतियन या चाइनीज़ या आपको नेपाली स्टाइल में दिल्ली में मैंने अभी तक नहीं पिया, तो यहाँ आके ये पिया है और मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। अभी तक मैंने जितनी आइटम्स खाई हैं, सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी, कोई भी मसाले तेज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी ज़ुबान पे जाके हिट करे या कुछ अजीब सा फ्लेवर छोड़ जाए। चारों की चारों आइटम ए क्लास। तो अब बारी आती है रेटिंग की, ओवरऑल रेटिंग मैं दे रहा हूँ, क्योंकि रेटिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है, इन सबको 10 में से 9 नंबर। जी हाँ, 10 में से 9 नंबर। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप देहरादून आए हैं घूमने या आप मसूरी जा रहे हैं घूमने, तो ये मसूरी का ही हाईवे है जिस पे ये केसी बार है, आप यहाँ आइए। आपको अगर ये चाइनीज़ पसंद है तो ज़रूर ट्राई करें, दिस इज़ अ मस्ट। अगर आपको पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है, आइए इंजॉय करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट मसूरी जाते हैं, इसी रोड से जाते हैं, तो मेरी तरफ से इस जगह को बिग थम्स अप। चलिए अब और किसी जगह चलते हैं और वहाँ का आपको स्वाद दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।